हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड एग्जामिनेशन में। तो यूपी टेट के आप सभी लोगों को जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो चुके हैं, हमने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया हूँ। और एग्ज़ाम जो डेट है 28/11/2021 को है, यानी सुबह 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक होने वाला है। और एग्ज़ाम सेंटर जो हमारा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं रघुवीर प्रसाद जायसवाल सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज ततरी बाजार सिद्धार्थ नगर में हमारा सेंटर बनाया गया है। रोल नंबर भी आप देख सकते हैं। तो एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं आप सभी लोग कल से ही, लेकिन क्या है कि वेबसाइट इतनी बिजी है कि आप सभी लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया, किस तरीके से आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। मैं एक बात आप क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा बिजी है तो आप इतनी आसानी से एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, चाहे आप सरकारी लेटर यूज़ कर रहे हो चाहे इनकी वेबसाइट यूज़ कर रहे हो। जब वहाँ पर आप विजिट करते हैं तो आपका अनअवेलेबल बताता है, तो क्या करना है उसको रिफ्रेश करते रहना है। आप इतनी आसानी से नहीं निकाल पाओगे, उस पर आपको टाइम स्पेंड करना होगा, यानी कम से कम आपको 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा आपको वहाँ पर लगे रहेंगे, तो हो सकता है कि आपका एडमिट कार्ड निकल जाए, लेकिन इतनी आसानी से नहीं निकलेगा। ठीक है, तो हमने एडमिट कार्ड निकाला, लेकिन हमने बहुत देर तक वेबसाइट पर विजिट करता रहा और किसी तरह से हमने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया हूँ। आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग इनके वेबसाइट पे आ जाना, चाहे आप सरकारी के माध्यम से आ सकते हैं, चाहे इनकी वेबसाइट से माध्यम से आ सकते हैं, कोई माध्यम अपना सकते हैं। अपनाने के बाद मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपको वहाँ पर अनअवेलेबल आएगा, तो आपको रिफ्रेश करते रहना है। जैसे ही आपका इस तरीके से पेज ओपन होता है तो यहाँ पर आपको इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर डालने को कहेगा, तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड डालने को कह रहा है, तो पासवर्ड आपको वो डालना है जो आपने बनाया था, जो जनरेट हुआ था उसको नहीं, आपको फिर से एक पासवर्ड बनाया गया था, आपने बनाया था वही पासवर्ड आपको यूज करना है। उसके बाद इस कैप्चा को यहाँ पर इंटर करने देना है, उसके बाद नीचे आपको लॉगिन कर देनी है। लॉगिन करने के बाद आपका इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिल जाएगा, आपने कौन सा फॉर्म अप्लाई किया, प्राइमरी किया कि आपने जूनियर किया, वो देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखने को मिल जाएगा, फिर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा प्रिंट एडमिट कार्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपको सिंपल क्या करना, इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका जो एडमिट कार्ड है डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद इस तरीके से आप सभी लोगों का जो एडमिट कार्ड है ओपन हो जाएगा। यहाँ सब अपना सब कुछ डिटेल्स देख सकते हैं कि आपका जो डेट है कौन सा है, किस शिफ्ट में रखा गया है, आपका एग्जाम सेंटर सिटी कौन सा है आपको देखने को मिल जाएगा, आपका रोल नंबर देखने को मिल जाएगा, यानी कि सारी चीज़ देखने को आप सभी लोगों को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बस इतना है कि आप सभी लोग जो वेबसाइट है थोड़ी सी बिजी चल रही है, तो आपको वहाँ पर लगे रहना है और इतना आपको तामझाम नहीं करना है, तो आप 1 से 2 दिन वेट कर लीजिए, आपकी वेबसाइट अच्छी चलेगी, तो वहाँ से आप अपना जो एडमिट कार्ड है अच्छे तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने आप सभी लोगों को दिखा दिया किस तरीके से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, आपको समझ में आ चुका हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।